साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो जी मेसी फर्गसन का 254 DI डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा जी, और इसकी कीमत कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रंट से बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है जी, फ्रंट में आपको जो इसकी बीच में जो है कंपनी की ब्रांडिंग मिलेगी, और जो है हैलोजन टाइप की इसके अंदर लाइट्स जो है आपको मिलने वाली हैं। OIB टाइप का इसका जो है एयर क्लीनर मिलेगा आपको, और फ्रंट में एक कंपनी फिटेड ही आपको जो है बम्फर मिल रहा है। फ्रंट एक्सल जो है इसके अंदर वो करारो का एक्सल आपको मिलेगा जी इसके अंदर, और फ्रंट में ही जो है ट्रैक्टर के आपको बैटरी मिलने वाली है जी। तो किसान साथियों, इंजन की स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये जो ट्रैक्टर है ये 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी। 3 सिलेंडर के साथ आता है, 1750 RPM पे चल करके जो ये ट्रैक्टर है ये अपनी फुल पावर जनरेट करके आपको देगा। सिम्पसन का इंजन है जी, 3 सिलेंडर के साथ ये ट्रैक्टर आता है जी। तो जो इसके अंदर जो इंजन आपको मिलेगा वो सिम्पसन कंपनी का होगा जी, और इसमें आपको जो है ये पंप मिलेगा जी, जो सिंगल पंप होगा जो हाइड्रोलिक को और स्टेयरिंग को दोनों को जो है तेल सप्लाई करके देगा। अगर मैं इसके टायरों की बात करूं तो 850-920 के जो है इसके फ्रंट टायर होंगे, और जो पिछले टायर हैं वो 1428 के होंगे जी। बिल्कुल फ्लैट जो है प्लेटफॉर्म के साथ ये ट्रैक्टर आता है जी, और 3 स्पीड ये ट्रैक्टर है। ये देखिए आप, हाई लो मीडियम के साथ ये ट्रैक्टर होगा। OIB टाइप के आपको इसके ब्रेक मिलने वाले हैं, जो ब्रेक होंगे इसके वो ऑयल बार टाइप के होंगे। 58 लीटर का जो है इसका फ्यूल टैंक है जी, आप इसमें एक बार में जो है 58 लीटर डीजल डलवा सकते हैं जी, और यहाँ से जो है ये आपको खोल सकते हैं, ये आगे की तरफ जो है ट्रैक्टर ओपन होता है। ऊपर से इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा दिखाऊं तो आप ये देखिए कि इसमें जो है आपको स्टेयरिंग जो मिलेगा वो बड़े साइज का है, हालांकि इतने बड़े स्टेयरिंग जो हैं अच्छे नहीं लगते हैं, छोटे जो साइज के होते हैं स्टेयरिंग वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्लस्टर की बात करूं तो जो मीटर है इसका वो डिजिटल टाइप का जो आपको मीटर मिलेगा, और एनालॉग टाइप की सारी जो है इसकी इंडिकेशन मिलेगी। ये हाथ की रेस दी गई है, और इधर जो है आपको ये क्वाड्रा जो PTO के लिए लीवर दिया गया है जी। अब मैं बात करूं अगर इसके ट्रांसमिशन की, तो ये ट्रैक्टर जो है हाई लो मीडियम के साथ आता है जी। कॉन्स्टेंट मैश गेयर बॉक्स है इसके अंदर, हाई लो मीडियम इधर मिलेगा, और जो है आपको 4 गियर इधर मिलने वाले हैं जी इस ट्रैक्टर में, जो कि लगभग 35 किलोमीटर की आपको फॉरवर्ड और स्पीड आपको देता है जी, और लगभग 14 किलोमीटर की आपको रिवर्स स्पीड ये ट्रैक्टर देने वाला है। सीट इसकी जो है वो एडजस्टेबल होगी, ये 4 व्हील और 2 व्हील के लिए जो है लीवर मिलेगा आपको, और ये जो LPTO ग्राउंड स्पीड PTO मल्टी स्पीड PTO इसके अंदर आपको मिलती है जी, और ये जो है PTO की लीवर को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए यहाँ पे आपको लीवर मिल रहा है। सीट एडजस्टेबल है इसकी। तो दूसरी तरफ देखें तो ये आपको जो है पार्किंग ब्रेक यहाँ पे मिलने वाला है जी इसका, ये ट्रांसपोर्ट लॉक इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल रहा है जी, ये ट्रांसपोर्ट लॉक इसके अंदर दिया गया है। जब आप कोई हैवी इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर के पीछे कैरी करते हैं तो आप अगर उसके यहाँ से जो है लॉक कर दो तो आपकी लिफ्ट की जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो काम करना बंद कर देंगे। तो अगर मैं अब बैक साइड से बात करूँ तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है DC वालों की सुविधा मिल रही है जी। 3 पॉइंट ऑफ लिंकेज के मिलते हैं जी, जो बीच वाला होता है वो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट कंट्रोलिंग को होता है जी। पिछला दिन से इसके अंदर पैलेंट्री ड्राइव के अंदर आपको मिलता है जी। एक टूल बॉक्स मिलेगा आपको टूल कैरी करने के लिए, यहाँ पे आप बोतल होल्डर दिया गया है इसके अंदर, और 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी आप इस ट्रैक्टर की आपको मिल रही है जी। और अगर मैं इस ट्रैक्टर की PTO HP की बात करूं तो इस ट्रैक्टर में आपको 45.1 HP की PTO पावर मिलती है जी। तो किसान साथियों, अगर मैं अब बात करूं इस ट्रैक्टर की कीमत की, तो ये ट्रैक्टर जो है 10.5 लाख रुपए का आपको मिलने वाला है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी
जरूर कीजिएगा। नमस्कार।